और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? हम सभी को पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और पाव भाजी भी बहुत पसंद रहती है। आज हम लोग मुंबई स्टाइल में तवा पुलाव बनाते हैं। बनाना इजी है, हल्के से टाइम ज़्यादा लगेगी क्योंकि हम लोग की गैस इतनी हाई नहीं रहती है ना, मतलब फ्लेम इतनी हाई नहीं रहती है, लेकिन टेस्ट मज़ेदार आएगा दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल में तवा पुलाव की रेसिपी। तो तवा पुलाव अभी मैं 6 जने के लिए बना रहा हूँ, उसके लिए चावल को तैयार करूँगा। मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए हैं, ये लॉन्ग ग्रेन चावल है, बासमती नहीं है। बासमती का खुद का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप इसमें प्लेन चावल ही यूज़ कीजिएगा दोस्तों। पानी डाल दीजिए 2 कप चावल में और फिर इसको वॉश कर लीजिए अच्छी तरह। आप चाहो तो ये रेसिपी पहले से बने चावल के साथ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो पानी अभी धुंधला हो चुका है ना, ये अच्छा ही रहता है, प्लांट्स को दे दीजिएगा, बढ़िया रहेगा इन्वायरमेंट के लिए भी। ये पानी को मैं हटा देता हूँ, फ्रेश पानी में इसको 15 मिनट के लिए सोक करेंगे। जब तक ये भीग रहा है आप सब्जियाँ तैयार कर लीजिएगा। मैंने भी सब्जियाँ तैयार कर ली है दोस्तों। अब हम लोग तवा गरम करते हैं और गरम तवा में हम लोग तेल इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच, और मैंने 2 चम्मच यहाँ पर बटर भी यूज़ किया है। आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बटर या घी से क्या होता है, तीखा कम लगता है ये खाना और टेस्ट बढ़िया लगता है, तो इसलिए मैंने इतना सारा तेल बटर यूज़ किया है। जैसे ये बटर गरम होता है ना, हम लोग इसमें अदरक और मिर्ची ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च है और साथ में 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, इन दोनों को अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए कैसे अदरक और मिर्ची खिलने लग गए हैं, ये बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब हम लोग इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे, उसी के साथ में मैंने गाजर भी ली है और प्याज भी लिया है। प्याज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि वो बढ़िया लगता है, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कम डालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों चीज़ को हम लोग को अच्छी तरह पकाना है। जब हम लोग ये स्ट्रीट्स में देखते हैं ना पकते हुए, उनकी फ्लेम या फिर भट्टी बहुत ज़्यादा हाई हीट की रहती है, तो फटाफट पक जाता है, हम लोग को हल्की सी टाइम ज़्यादा लगेगी। मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है और फिर हम लोग को इसको 3-4 मिनट पकाना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरा गलाना ज़रूरी नहीं है, अगर गाजर में बाइट रहेगी तो वो भी और बढ़िया लगेगा, तो पूरा मत गलाइएगा, बस इसको इतना पका लीजिए कि ये कच्चा ना रहे। दूसरी गैस में आप पानी भी उबालने रख सकते हो, मतलब 1 लीटर के आसपास पानी उबालने रख दीजिएगा चावल उबालने के लिए। मैंने तो अलग से उबाले थे चावल। जब ये थोड़ा बहुत पक जाता है ना अपनी सब्ज़ियाँ, तब हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर बहुत ज़रूरी है उसमें, तवा पुलाव का मेन फ्लेवर इसी के वजह से आता है मेरे को जो लगता है दोस्तों। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड किया है, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी है, और धनिया था मेरे पास वो मैंने अभी ऐड कर दिया, बाद में और ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह सॉफ्ट करना ज़रूरी है, तो इसको चलाते रहिएगा, पकाते रहिएगा, पूरा गलाना ज़रूरी है टमाटर को। टमाटर पकता रहेगा दोस्तों, तब तक हम लोग चावल उबाल लेते हैं। तो पानी उबल रहा है यहाँ पर, चावल के लिए हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे। उबलते पानी में नमक ऐड करते हुए ध्यान रखिएगा, उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो पानी उबल रहा है, हम लोग इसमें चावल ऐड कर देते हैं और फिर इसको पकाएंगे जब तक ये चावल सॉफ्ट ना हो जाए। तीन चार मिनट तो इसमें लग ही जाएगी दोस्तों, तब तक आप क्या कर सकते हो, टमाटर को चेक कर सकते हो। अगर वो पकने लग गया है तो हम लोग इसमें आलू मटर और गोभी भी ऐड कर सकते हैं। गोभी आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। इन तीनों चीज़ को मैंने काट कर, मतलब आलू गोभी मटर की साइज़ में कट कर उबाल लिया था एक बार, ताकि ये जल्दी से पक जाए। इसमें टमाटर का फ्लेवर ज़रूरी है, मैंने आपको कहा था, तो उसी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर टमाटर का फ्लेवर लाने के लिए केचप ऐड किया है 2 चम्मच के आसपास। अगर आप ये नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें 1 चम्मच मिर्ची पेस्ट भी ऐड किया है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रीट में जब बनाते हैं ना तो वो लोग ऐड करते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है मिर्ची पेस्ट ऐड करना। ये कुछ नहीं है, मिर्ची को भिगाकर मिक्सी में चलाकर रखते हैं और फिर वो ऐड कर दिया। अब इसको कंटिन्यू चलाकर पकाएंगे, इन सभी में फ्लेवर आ जाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा सूख रहा है तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब्ज़ियाँ थोड़ी ज़्यादा कच्ची लग रही है तो ढक्कन लगाकर पका लीजिए, लेकिन सॉफ्ट हो जानी चाहिए। चावल हम लोग ने उबालने के लिए जो रखा था वो भी उबल चुका होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। एक दाना को निकाल कर तोड़ के देखिएगा दोस्तों, अगर वो टूट रहा है बिल्कुल ऐसे, तो ये रेडी है। तो गैस ऑफ कर इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो सूप की जो छन्नी आती है वो मैंने यहाँ पर रखी है और फिर इसको छान लूँगा।
छानने के बाद इमीडिएटली दोस्तों इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा एक प्लेट में, ताकि हीट जमा नहीं हो। अगर हीट जमा होगी तो चावल ज़्यादा पक जाएगा और फिर वो गुठलियाँ बनने लग जाएगी उसमें, वो खिला खिला भी नहीं रहेगा। तो मैंने प्लेट में इसको फैला दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी सब्ज़ियों के पास वापस आएंगे। अगर वो पकने लग गई है, बाइट रहेगी उसमें, लेकिन हम लोग को उसको पूरा नहीं गलाना है, हल्का सा उसको मैश करेंगे। तो आलू मैश करने वाला जो टूल रहता है ना, उससे इसको एक दो बार ऐसे मैश कर दीजिएगा, उसे बाइंडिंग आ जाएगी। ज़्यादा भी मैश मत करिएगा, सब्ज़ी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, मतलब पहचानने में आनी चाहिए सब्ज़ियाँ। जब वो ऐसे हो जाती है तब हम लोग इसमें हल्का सा और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, इससे फ्रेश फ्लेवर आएगा, मतलब वो पाव भाजी मसाला का स्ट्रीट वाला फ्लेवर एकदम हिट करेगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो हल्का सा कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम लोग इसमें जो चावल हम लोग ने पकाया है ना, वो ऐड कर देंगे। सारा ऐड मत कीजिएगा वरना मिक्स करने में बहुत मुश्किल होगी, आधा ही शुरू में ऐड कीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। उसके बाद जब वो एक कलर का हो जाता है ना, तब बाकी के चावल ऐड कर कर फिर से मिक्स कीजिए। तो ये स्टेप में हल्की सी टाइम लगेगी, क्योंकि आपने दो बार में चावल ऐड किए हैं, लेकिन चावल के दाने भी नहीं टूटेंगे और वो अच्छी तरह भी मिक्स हो जाएगा। मेन चीज़ बोलना भूल गया दोस्तों, जब आप ये रेसिपी बना रहे हो घर पे तो कोशिश कीजिएगा या तो बड़ी कढ़ाई में बनाने की, या फिर है ना कोई बड़े तवे पर बनाने की, उससे फ्लेवर और बढ़िया आता है। क्योंकि हीट जो है वो एक बार में ज़्यादा जगह लगती है सब्ज़ियों पर और चावल पर। तो ये तो बिल्कुल रेडी है, अभी मैं इसको सर्व कर रहा हूँ, मतलब ये बर्तन में। आप इसको लंच पर भी लेकर जा सकते हो। मैंने लंच क्यों कहा, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, अगर आप इसको कुछ टाइम रखते हो ना, मतलब 2-3-4 घंटा, तो फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया आता है। मैंने नींबू नहीं डाला था पुलाव पर, लेकिन मैं इसको सर्व करने के टाइम पर साइड पर दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी तवा पुलाव की रेसिपी, आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपको कैसा लगा, और कौन सी ऐसी रेसिपी देखना चाहोगे वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।